जख्म अपना किसी को दिखाया नहीं, आंसुओं को तमाशा बनाया नहीं, ऐ गम आकर मेरे दिल में रहो, इस हवेली का कोई किराया नहीं। जिसने अपना पसीना बहाया नहीं, दौलत ने उससे हाथ मिलाया नहीं, ये आंखें कुछ तो तलाश करती हैं, क्या ढूंढती हैं बताया नहीं, और उसने मेरा नाम हथेली पर लिखा और मिटा दिया, मैंने उसका नाम दिल पर लिखा और मिटाया नहीं। मैं चाहता हूं एक बड़े शायर एक बड़े कवि को सुना जाए, जिनका अयोध्या धाम होता है, फैजाबाद धाम होता है, हमारे बीच में एक वरिष्ठ कवि है जिनका नाम होता है रामानंद सागर जी, उनसे निवेदन करूंगा वो मंच पर आए, उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाएं, आदरणीय रामानंद सागर जी। हेलो, हुक्का का भिगोआ नहीं, यहाँ हुक्का रखा था, क्या हुआ? चिलम थम थम हुक्का गायब। स्टैंड की बात छोड़ो, यहाँ कुछ भी नहीं सही है। आइए कुछ गीत गौने की बात हो जाए। विक्टर जी आइए, मेरी बारी आ गई। बुढ़वा नंबर 3 का मंच, बुढ़वों के नाम, दो बुढ़वे तो निपट चुके, मेरा भी नंबर लग गया है। है, है, कुछ इसमें करने लायक नहीं। अरे तो वो मेरी बात थी, आप काहे परेशान? चलिए ठीक है, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, कुछ मुक्तक सुन लीजिए आप। आपके सामने एक बहुत अच्छा कवि खड़ा है, आप सुन लीजिए उसको, आपको लगेगा कि वास्तव में बहुत अच्छा कवि है, और मैं अपने अच्छा होने की गारंटी भी दे रहा हूं। चार पंक्तियां सुन लीजिएगा, पता चल जाएगा। सुनिए सर, कि जो शख्स यहाँ जोरू का गुलाम नहीं है, जो शख्स यहाँ जोरू का गुलाम नहीं है, इतिहास के पन्ने में उसका नाम नहीं है, इतिहास के पन्ने में उसका नाम नहीं है। और ये जितने कवि हैं सब हैं बहरी और चुसौआ, ये जितने कवि हैं सब हैं बहरी और चुसौआ, मेरे सिवा कोई दशहरी आम नहीं, मेरे सिवा कोई दशहरी आम नहीं है। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज कवि सम्मेलन के मंच पे कोई कवियत्री नहीं है। सबसे ज्यादा खुशी मुझको, क्योंकि जब कोई कवियत्री आ जाती है तो हम लोगों को कोई घूम के देखबे नहीं करता। चार पंक्तियां सुन लीजिए उसके लिए भी, कि कैसे दरबानी करेगा कोई सुल्तानी के बाद, कैसे दरबानी करेगा कोई सुल्तानी के बाद, के बासी खिचड़ी खा नहीं सकता वो बिरयानी के बाद, कैसे दरबानी करेगा कोई सुल्तानी के बाद। और हो जहां जिस मंच पर एक खूबसूरत शायरा, हो जहां जिस मंच पर एक खूबसूरत शायरा, तो कौन देखेगा ये थूथन शक्ल नूरानी के बाद, कैसे दरबानी करेगा कोई सुल्तानी के बाद। चार पंक्तियां उससे भी बढ़िया सुनिया, कि कोई तो हुस्न पाके माला माल हो गया, कोई तो हुस्न पाके माला माल हो गया, पाकर जवानी कोई तो खुशहाल हो गया, मालिक का करम है
जवान हूँ। मेरी जवानी पे जल रहे हैं ये लोग, इनको नहीं मालूम अभी भी मेरे रिश्ते आ रहे हैं। यकीन मानिए मैं शादी करने के मूड में नहीं हूँ, शादी नहीं करना चाहता। रविंदर पांडे ने कहा भैया ये बताओ उमरिया निकल जाए तो शादी करके क्या करबो। हम कहा भैया महंगी के जमाना है, सोची तो दुई काम में कम निपटाए डारी कहीं का हो। हम कहें ऐठो मोते रही सोची थी कम निपटा ली। इसीलिए सोच के मैं कहता हूँ कि कोई तो हुस्न पाके माला माल हो गया, और पाकर जवानी कोई तो खुशहाल हो गया। मालिक का करम है अभी मैं भी जवान हूँ, ये और बात है कि भूतकाल हो गया, ये और बात है कि भूतकाल हो गया। इसी की प्रतिपूर्त में चार पंक्तियां और सुन लीजिए कि 30 के पहले सभी कहते थे घोड़ा मुझको, 30 के पहले सभी कहते थे घोड़ा मुझको, अब समझते हैं सभी कीड़ा मकोड़ा मुझको, अब समझते हैं सभी कीड़ा मकोड़ा मुझको। ओ हसीन चेहरे भी कतराने लगे अब मुझसे, हसीन चेहरे भी कतराने लगे अब मुझसे, इस सफेदी ने कहीं का नहीं छोड़ा मुझको, इस सफेदी ने कहीं का नहीं छोड़ा मुझको। मैं अपने बूढ़े मित्रों को सलाह देना चाहता हूँ कि निभाओ तो इस तरह जैसे हम निभाएं कि हम बुढ़ौती में भी हैं नील के पत्थर की तरह, हम बुढ़ौती में भी हैं नील के पत्थर की तरह, और टूटी दीवार से चिपके हैं पलस्तर की तरह, टूटी दीवार से चिपके हैं पलस्तर की तरह। और प्यार कर तू भी किसी एक की हो जा वरना, यूं ही छुछुआएगी ता उम्र छछूंदर की तरह, यूं ही छुछुआएगी ता उम्र छछूंदर की तरह। विक्टर भाई ने एक आदेश दिया है, मैं चार पंक्तियां आखिरी सुना देता हूँ। हाँ आखिरी सुना दे रहा हूँ, हाँ, चार पंक्तियां उसके बाद उनकी इच्छा पूरी करूंगा। भैया ऐसा प्यार वार के चक्कर में हम पढ़ते नहीं, और प्यार करके हमने भोग लिया इसलिए बीमारी पाली नहीं। चार पंक्तियां सुन लीजिए अभी समझ में आ जाएगा। सगाई उससे आप सीख लेना चाहते हैं, मैं समझ गया। चार पंक्तियां पहले सुन लीजिए, मैं प्यार क्यों नहीं करता कि उनके द्वारा कभी हम न पूछे गए, उनके द्वारा कभी हम न पूछे गए, और गए मिलने भी तो हाथ छूछे गए, और प्यार का भूत उतरा मेरा उस घड़ी, उनके कूचे में जब हम भी कूचे गए, उनके कूचे में जब हम भी कूचे गए। आइए आइए मैं जूता मत उतारिए, मैं वही सुनाने जा रहा हूँ। इसके लिए एक खास बात और आपको बता दूं साथियों कि मेरा नाम रामानंद सागर, नाम से भी नहीं लगता कि मैं हास्य कवि हूँ। पहनावा ओढ़ाओ भी जोकर की तरह नहीं है कि लगूं हास्य कवि। मैं चुटकुले भी नहीं सुनाता, हास्य रचना को स्वर में सुनाता हूँ। स्वर में सुनाने का मतलब पैर में कुल्हाड़ी मारना, और वो भी ऐसे स्वर में सुनाता हूँ जिस तरन्नुम में रोया जाता है। अब इतनी विषमताएं लेके मैं हास्य रचना आपको सुना रहा हूँ, मेरी हिम्मत की दाद दीजिए आप।
एक सबसे खास बात ये कि मैं जब से खड़ा हूँ आपसे मैंने कभी नहीं कहा कि तालियां बजा दीजिए, क्योंकि मैं बजवाने के फेवर में नहीं हूँ। मुझे नेताओं ने फार्मूला दिया है, जैसे नेता लोग कहते हैं मुझे वोट दीजिए खून तो मैं आपका चूस ही लूंगा, वैसे मैं भी कहता हूँ कविता मेरी सुन लीजिए तालियां तो मैं बजवा ही लूंगा। ये दावा है और रचना मेरी सुनिए आप। अब मैं रोने जा रहा हूं, आप अपनी तैयारी करिए। सुनिए, अभी आपने सुना होगा कि पाकिस्तान से सीमा हैदर आई थी चार बच्चों को लेके, इससे पहले का मेरा मामला है। अब ये सुनिए आप कि मेरी जिससे सगाई है, मैं रो रहा हूं, ये कह रहे हैं वाह क्या बात है, मेरी जिससे हुई सगाई है दो दो बच्चे वो साथ लाई है, दो दो बच्चे वो साथ लाई है, और बाद में उसने मुझको बतलाया, बाद में उसने मुझको बतलाया, बाद में उसने मुझको बतलाया कि दो तो मैं के मैं छोड़ आई है, चार हो गए, दो तो मैं के मैं छोड़ आई है। और शादी में दुल्हन जब आती है तो सीधे घर से नहीं बल्कि ब्यूटी पार्लर से आती, मेकअप देखिए कैसा है, जैसे ऐसे दिन बीत रहा कलई उधरती जा रही है कि भेद 10-12 दिन के बाद खुला, भेद 10-12 दिन के बाद खुला, भेद 10-12 दिन के बाद खुला कि बाल काले नहीं है दाई, बाल काले नहीं है दाई है। और एक अनोखा विवाह, शादी तो हुई लेकिन आप अंदाजा लगाइए मेरी शादी कैसे हुई होगी, कि मैं उसे ब्याह कर नहीं लाया। आप लोग सोचिए, मैं सब खारिज कर दूंगा, मैं उसे ब्याह कर नहीं लाया, मैं उसे ब्याह कर नहीं लाया, वही बारात लेके आई है, वही बारात लेके आई है। और एक दो शेर और सुन लीजिए, उससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मेरी लंबी उम्र की दुआ आप लोग करिएगा, शेर बहुत खतरनाक सुनाने जा रहा हूं। चार शौहर, सुनिए पांडे जी, कि चार शौहर गुजर चुके उसके, मेरी लंबी उम्र की दुआ करिएगा, अभी कई बार यहां पर आना है। चार शौहर गुजर चुके उसके, चार शौहर गुजर चुके उसके, मेरी किस्मत भी चरचराई है,
मेरी किस्मत भी चरचराई है। और जिसने ये रचना सुनी है उसके लिए भी एक नया शेर इसमें जुड़ा है। नया शेर आप सुने, भारती जी सुनिए। चार शौहर उसके गुजर चुके हैं, अब चारों का ब्यौरा सुन लीजिए आप। कि दो दफा उसने दो से शादी की, दो दफा उसने दो से शादी की, दो दफा उसने दो से शादी की, और दो दफा वो गई भगाई, दो दफा वो गई भगाई है। और आखिरी शेर सुन लीजिए सर, ये कुल कहानी सिर्फ दो महीने की है। आखिरी कि दो महीना अभी नहीं बीता, दो महीना अभी नहीं बीता, दो महीना अभी नहीं बीता, फिर वो खाने लगी खटाई है, फिर वो खाने लगी खटाई है, मेरी जिससे हुई सगाई है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।